बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला है द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2, मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना गिवन है, 3:2। पहला पॉइंट, इफ अ मैन इज साइकिलिंग अलोंग बाउंड्री ऑफ ए पार्क एट स्पीड ऑफ 12 km/h कंप्लीट अराउंड इन 8 मिनट देन एरिया ऑफ पार्क इज। अगर क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट पढ़े तो हमको ऐसा लगेगा ये तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, नहीं ये मिक्स है। टाइम स्पीड डिस्टेंस की मदद से हमको एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा निकाला जा सकता है। तो देखिए अगर आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमारा लेक्चर नहीं देखा होगा देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले याद रखने के लिए सिंपल सा वहां पे ट्रिक्स मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पहले तो हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्लियरली बोला है बाउंड्री का वो चक्कर लगा रहा है, बाउंड्री इज नथिंग बट पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर मतलब क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ पार्क विल बी नथिंग बट डिस्टेंस, जो कि निकालेंगे कैसे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे कितना गिवन है, 12 km/h इनटू टाइम कितना गिवन है, 8 मिनट। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक आवर में है और एक मिनट में है, तो कैसे सॉल्व करें, तो देखिए 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 डिवाइडेड बाय आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 × 8, तो ये कितना है मीटर पर मिनट इंटू मिनट। अब मल्टीप्लाई हो सकता है, मिनट मीटर से कैंसिल, तो फाइनल आंसर किसमें आएगा, मीटर्स में। तो कैसे होगा, 12 × 5 = 250 × 8 तो कितना है, 1600 मीटर इज द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की मदद से एरिया कैसे निकालें, तो देखिए यहां पे हमको जो पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए रेशियो क्या गिवन है, 3:2 व्हिच इज नथिंग बट 3:2 ऑफ x इज इक्वल टू 1600 मीटर। पर यहां पे हम पेरीमीटर निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, देखिए ये x का कुछ हिस्सा 3 का है और इसका कुछ हिस्सा है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही सॉल्व होगा। देखिए कैसे, 3x इज द लेंथ करेक्ट एंड 2x इज द ब्रेथ, ये एक लेंथ हुई ये दूसरा ब्रेथ हुआ। पर यहां पे पेरिमीटर अगर निकालना है तो दो लेंथ और दो ब्रेथ की जरूरत होगी रेक्टेंगल के केस में। देखिए ये है 3x, ये है 2x, तो यहां पे और 2x आएगा, यहां पे 3x आएगा, यहां पे सिंगल टर्म है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर कितना आएगा, सिंपलीफाई करेंगे अभी, तो यहाँ पे 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 2 = 4, एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया इज इक्वल टू 1600, तो यहाँ पे 6 + 4 = 10, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 160 मीटर। तो मतलब मेरे पास एक्स का वैल्यू आ गया, मैं आराम से लेंथ निकाल सकता हूँ, लेंथ इज नथिंग बट 3 × x मतलब कितना, 160 इंटू एक्स इंटू 160 किसका वैल्यू है, x का इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा 480 मीटर। कोई ब्रेड का कितना आएगा 2 × x, 160 × 2 कितना आएगा 320 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया ऑफ पार्क निकालो, लेंथ इंटू ब्रेड इज नथिंग बट एरिया, एरिया कितना आएगा फिर 480 × 320 इज इक्वल टू 1536 00 meter square is the answer for this question.